हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोजेनिक डाइट के बारे में, जो कि बहुत फेमस है। इसकी शुरुआत एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट से हुई थी, लेकिन फिर लोगों ने इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए करना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत सारे क्लेम्स भी आए। तो आज बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये काम करती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस डाइट को लेकर कैसा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीटोजेनिक डाइट जो है वो एक हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट है। इसमें 70-75% तक फैट होता है, 20-25% प्रोटीन होता है और 5% से कम जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आता है। और बाकी जो डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो उसमें पास्ता, राइस, ब्रेड और सारे फ्रूट्स, ये सब कुछ हटा दिया जाता है। बचता है तो डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स। ये डाइट कैसे काम करती है ये समझने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि कैसे बॉडी काम करती है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है और कैसे हमारी बॉडी फूड से एनर्जी लेकर आगे पूरा सर्वाइव करती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो कैसे ये काम करती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारी करंट डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट 40-60% तक होता है, किसी किसी की डाइट में और ज़्यादा भी होता है। तो हमारी बॉडी का जो प्राइमरी फ्यूल सोर्स है वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज से बॉडी काम करती है। लेकिन इस डाइट के केस में क्या हो रहा है कि आपको फैट और प्रोटीन मिल रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे हैं, तो बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी को खुद को सर्वाइव करना है। इस प्रोसेस को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कार है जिसमें दो फ्यूल सोर्स हैं, एक तो वो पेट्रोल से चलती है, दूसरा वो गैस से चलती है। हमें ये पता है कि ये पेट्रोल पर बहुत अच्छे से चलती है, एफिशिएंटली चलती है, इसका पिकअप अच्छा होता है और स्पीड अच्छी होती है। लेकिन दूसरा जो फ्यूल सोर्स है गैस, वो भी हमें इमरजेंसी में काम में आता है। तो हमें एक डेस्टिनेशन तक जाना है, बीच में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हम गैस से उसको चलाएंगे, चालू कर देंगे तो वो डेस्टिनेशन तक तो पहुंचेगी, लेकिन उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगी। वैसे ही इस एग्जांपल को अगर हम रिलेट करें अपनी बॉडी के साथ तो बॉडी एफिशिएंटली काम करती है कार्बोहाइड्रेट पर, लेकिन जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं भी मिलता है तो वो प्रोटीन और फैट से भी सर्वाइव करती है। इसके दो पाथवे होते हैं, एक को बोलते हैं कीटोसिस और दूसरे को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। कीटोसिस हुआ जब हमारी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिले तो हमारा लीवर फैट को ब्रेक डाउन करता है कीटोन्स में। जैसे कि ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से और हमारी बॉडी काम करती है, वैसे ही फैट को ब्रेक डाउन करके कीटोन्स बॉडी बनती है, उन कीटोन्स पर हमारी बॉडी चलती है। एक कंडीशन बनती है हाइपोग्लाइसीमिया, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उससे भी बचने के लिए बॉडी का एक पाथवे होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज के किसी बिना सोर्स के ग्लूकोज का बनाना, यानी कि प्रोटीन और फैट से जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। सिंपल है, बात समझ में आ गई। तो अब ये समझते हैं जैसे कार्ब्स नहीं मिले तो इन दो पाथवे से बॉडी फ्यूल लेगी या फिर एनर्जी का सोर्स बनाएगी और हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी का काम है कैसे भी करके खुद को सर्वाइव करवाना है। अब जब हमारा प्रोसेस क्लियर हो गया है, अब समझते हैं इसके क्लेम्स के बारे में। सबसे पहला क्लेम आता है कि ये वेट लॉस बहुत रैपिडली करती है, और दूसरा क्लेम जो है जो कि काफ़ी फेमस है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के केसेस में ये बहुत बेनिफिशियल है। देखिए पहले क्लेम की बात करें, जैसे कि वेट लॉस की जो बात की जाती है तो हाँ वेट लॉस इससे होता है, लेकिन कैसे होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो तो आपने हटा दिया, खाने के बहुत सारे जो सोर्सेस थे जनरली जो हमें पसंद होते हैं वो सब हटा दिए, प्रोटीन और फैट के सोर्स बचते हैं तो उससे कैलोरी डेफिसिट बन जाती है। अब रैपिड इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले 1-2 वीक में क्या होगा कि जब आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो वाटर वेट रिडक्शन होगा, उसकी वजह से आपको नंबर ज़्यादा कम देखेंगे, तो उसके वजह से आपको लगेगा कि हमारा वेट ज़्यादा कम हो रहा है। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि अगर कीटोजेनिक डाइट, मॉडरेट कार्ब डाइट दोनों पर भी लोगों को रखा गया और कैलोरिक डेफिसिट सेम रखी गई तो कुछ खास डिफरेंस उनके रिजल्ट्स में नहीं था। हाँ ये क्लेम सही है कि इससे फैट लॉस होता है।
दूसरा जो क्लेम है वो है डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स के लिए कि इसमें जो डायबिटीज़ 2 के पेशेंट्स हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसके केस में अगर कार्बोहाइड्रेट आप कम देंगे तो आपको सिम्टम्स कम नज़र आएंगे, लेकिन जो मेन बेनिफिट होता है वो एक्सरसाइज से होता है, फाइबर बढ़ाने से भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल सस्टेनेबल हैं कंपेयर करें अगर कीटोजेनिक डाइट से। इन दोनों क्लेम्स के अलावा अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आपकी आदत है बहुत सारी शुगर खाने की, प्रोसेस्ड फूड खाने की और दिन भर खाना खाने की, तो आप खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए ये डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन हटा दिए जाते हैं और फिर आपको बहुत ही डिसिप्लिन एक दो हफ्ते के लिए फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है आप मोटिवेटेड होकर दूसरी डाइट में भी सस्टेन कर जाएं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो हंगर होता है वो कम स्ट्राइक करता है, प्रोटीन फैट आप खाते हैं आपकी शुगर की क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं, तो ओवरऑल इसकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी है। बात अगर इससे होने वाले नुकसान की जाए तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट है जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और उसके साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का भी खतरा रहता है, LDL जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसके बढ़ने की भी चांसेस होते हैं, किडनी की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट बोन की जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और आपको कुछ कैंसर होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब बात मेरी खुद की जर्नी की, मैंने ये डाइट 2015-2016 के टाइम पर फॉलो की थी जब मैं श्रेडिंग कर रहा था। बहुत सारे लोग उस टाइम पर इस डाइट के बारे में नहीं जानते थे, मैंने इसको फॉलो किया क्योंकि मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास खाने के ऑप्शंस नहीं थे। मेरे पास पनीर था, टोफू था और कैबेज था और पालक था, उसके साथ पानी था, तो इसके साथ मैं लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाया। 2 से 3 हफ्ते मैंने फॉलो किया। हाँ एक चीज़ हुई थी कि शुरुआत में जब वाटर वेट रिडक्शन हुआ तो मोटिवेशन सा आया कि मेरा वेट जल्दी से कम हो रहा है, उसके बाद मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता गया, लेकिन जो वेट रिड्यूस हुआ था वो कैलोरिक डेफिसिट की वजह से हुआ था। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है, ज़्यादा कुछ सस्टेनेबल इसके साथ मैं नहीं रह पाया हूँ। और आखिरी में अगर बात मेरे ओपिनियन की जाए कीटोजेनिक डाइट को लेकर, तो जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है 8-10 साल का और साइंस और एविडेंस के बेस्ड पर मैं ये बात कहूँगा कि आपको अगर ये डाइट फॉलो करनी है तो आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मिलिए, और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है फिर आप पहले डॉक्टर से मिलिए, डिस्कशन करिए, उसके बाद ही कोई ऐसी डाइट फॉलो करिए। मेरी ये सलाह होती है कि जनरली हमें किसी स्पेशल मेडिकल डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम कैलोरीज को अच्छे से डिवाइड कर दें, लाइफस्टाइल को चेंज कर दें तो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।